Assalamualaikum viewers, welcome to Flame Bakes Recipes. आज हम बना रहे हैं चॉकलेट केक विद ओरियो क्रंच। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो है एक कप मैदा, एक कप पाउडर शुगर, वन टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, आधा कप ऑयल, आधा कप दूध, थ्री टेबलस्पून कोको पाउडर, एक चुटकी नमक और एक चुटकी मीठा सोडा। इसके अलावा हमें चाहिए दो अदद अंडे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अमेज़ा तैयार करने से पहले हम बर्तन को प्रीहीट करेंगे। इसके लिए आप कोई सा भी पुराना बर्तन ले सकते हैं, कोई पतीला वगैरह। मैं यहाँ पे पुराना प्रेशर कुकर ले रही हूँ। इसमें एक स्टोन्स की लेयर लगा दी है ताकि ये जो हमारा केक है बिल्कुल ओवन जैसा बेक हो। अब हम इसके अंदर एक जाली स्टैंड रख देंगे। आप कोई सा भी आयरन स्टैंड रख सकते हैं और इसे हम ढककर 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर प्रीहीट करेंगे। अमेज़ा तैयार करने के लिए हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम सबसे पहले अंडे डालेंगे। अंडों को अच्छी तरह फेंट लेंगे। अंडों को अच्छी तरह से फेंट लिया है, अब हम इसके अंदर मैदा शामिल करेंगे। अब इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। दूध ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर पाउडर शुगर शामिल करेंगे। कोको पाउडर शामिल करेंगे। बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे और साथ ही एक चुटकी नमक और एक चुटकी मीठा सोडा ऐड करेंगे। अब इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए बीट करेंगे। अब जितना अच्छा बीट करेंगे केक उतना ही अच्छा बेक होगा। अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो गया है, इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे हैं मिक्स होने में। अब हम इसे साइड पे कर देंगे। अब हम एक बर्तन लेंगे जिसमें हमने केक बेक करना है। आपके पास सांचा है तो सांचा ले ले, अगर नहीं है तो कोई सा भी बर्तन ले ले। अब हम इस बर्तन के अंदर एक ऑयल की लेयर लगाएंगे ब्रश की मदद से। ऑयल की लेयर लगाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा मैदा डालेंगे और इसको इस तरह से पूरे बर्तन में फैला लेंगे। हाथ की मदद से नहीं फैलाना, अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर रख ले। लेयर लग गई है, ये देखिए पूरे बाउल में। अब हम इसके अंदर जो हमने अमेज़ा तैयार किया है वो डालेंगे। अमेज़ा बिल्कुल तैयार है, अब हम इसे बेक करते हैं।
प्रेशर कुकर को हमने 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर प्री हीट किया था। अब हम इसे ढककर तकरीबन 45 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ही बेक करेंगे। जितनी देर में केक बेक होता है उतनी देर में हम इसकी चॉकलेट टॉपिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो है 1 कप दूध, 1/2 कप क्रीम, 3 टेबलस्पून पाउडर शुगर, 3 टेबलस्पून कोको पाउडर और 30 ग्राम यहाँ पे मैं चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। चॉकलेट टॉपिंग तैयार करने के लिए हम सबसे पहले पैन में दूध डालेंगे। अब हम इसके अंदर क्रीम शामिल करेंगे, इसको हम मिक्स करेंगे। फ्लेम हमने मीडियम रखा हुआ है। क्रीम मिक्स हो गई है, अब हम इसके अंदर शुगर शामिल करेंगे। कोका पाउडर शामिल करेंगे। अब हम इसके अंदर चॉकलेट शामिल करेंगे। मिक्स करते जाएंगे। इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। चॉकलेट टॉपिंग बिल्कुल रेडी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे उतार के ठंडा कर लेंगे। 45 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक करते हैं कि केक बेक हुआ है कि नहीं। केक बेक हो गया है, ये देखिए नाइफ बिल्कुल साफ है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसकी साइड्स अलग कर लेंगे और इसे निकाल लेंगे। केक हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, अब हम इसे दरमियान से काट लेंगे। इसको 2 हिस्सों में काट लिया है, अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। केक ठंडा हो गया है, अब हम इसके ऊपर शुगर सिरप लगाएंगे। इसी तरह हम दूसरे के ऊपर भी लगा लेंगे। शुगर सिरप लगा लिया है, अब हम इसके ऊपर व्हिप्ड क्रीम लगाएंगे। क्रीम लगाने के बाद अब हमारे पास ये है, ओरियो रफली क्रश कर लिया है हमने, हम ये इसके ऊपर लगाएंगे। ये लगाने के बाद हम केक का जो दूसरा पीस है इसके ऊपर रखेंगे। मैं इसको यहाँ से स्मूथ नहीं कर रही, अगर आप करना चाहते हैं तो आप नाइफ की मदद से इसको ऊपर से स्मूथ कर ले। अब हम इसके ऊपर जो हमने चॉकलेट टॉपिंग तैयार की थी वो डालेंगे।
चॉकलेट टॉपिंग डाल दी है, अब हम इसे थोड़ा सा डिकोर करेंगे। तो जी व्यूवर्स, हमारा केक बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्पॉन्जी। जरूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह हमारी आज की वीडियो होती है ख़त्म। दुआओं में रखिएगा याद। फी मानिल्लाह।